गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, गुरु साहब, इस जंगल में एक बहुत बड़ा खूनी शेर रहता है जिसने बहुत से पशु मार डाले हैं। यह सुनकर गुरुजी ने अगली सुबह राजा भीमचंद को शिकार करने के लिए आमंत्रित किया। राजा भीमचंद को शिकार करना अच्छा लगता था। अरे हम तो शिकार के लिए ही बने हैं, हम शिकार करने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। उसने गुरुजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपनी बहादुरी दिखाने का एक मौका मिल गया। गुरुजी का प्रस्ताव सुनकर राजा भीमचंद अपने कुछ चुने हुए वीरों के साथ गुरुजी के दरबार में जा पहुँचे। गुरुजी के संग 5 सिख तलवारें और भाले लेकर साथ साथ चल दिए। जब वह सब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने शेर के पांव के निशान देखकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। गुरु साहब, ये देखिए शेर के पैरों के निशान। कुछ सिख जंगल में शेर को ढूंढने के लिए आगे की ओर चल दिए, परंतु काफी ढूंढने के पश्चात भी उन्हें शेर कहीं नहीं मिला। कितना ढूंढा, अभी तक शेर नहीं मिला। शाम हो गई, अब राजा भीमचंद को थकावट महसूस होने लगी। अरे अब तो थकान के मारे हाल बुरा हो गया है, पर शेर नहीं मिला। गुरुजी अभी भी शेर की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, क्योंकि वह बिना शेर का शिकार किए वापस नहीं जाना चाहते थे। शेर ने उस इलाके में बहुत से पशु मार डाले थे। राजा भीमचंद अंदर से घबरा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, रात के समय बिना रोशनी के शेर से टक्कर लेना समझो अपनी मौत को बुलाना है। मगर यह बात गुरुजी को बताने में राजा भीमचंद अपनी बेइज्जती समझता था, इसलिए वह चुपचाप रहा। गुरुजी सबको लेकर घने जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। राजा भीमचंद उन्हें रोकते ही रह गए, परंतु गुरुजी तो उसका घमंड तोड़ना चाहते थे। गुरुजी अंतर्यामी थे, वह भीमचंद की मन की बात समझ गए। आखिरकार तलाश सफल हुई। शेर घने जंगल के बीच में बड़े आराम से झाड़ी के पीछे सो रहा था। उसकी लंबी पूंछ झाड़ियों के बीच में से दिखाई दे रही थी। उसका शरीर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत शक्तिशाली होगा। गुरुजी झाड़ी के पास आकर खड़े हो गए और शेर को ललकारना शुरू कर दिया, पर राजा भीमचंद ने गुरुजी को ऐसा करने से मना किया और वह बोले, गुरु साहब आप ऐसा ना करें, शेर ने अगर झपट्टा मारा तो वह जानलेवा हो सकता है। यह बात राजा भीमचंद के मुंह से सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। वह सोचने लगे कि बहादुरी की मिसाल देने वाला व्यक्ति कायरता की बात कैसे कर सकता है। गुरुजी ने वहां खड़े सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर किसी का भी साहस नहीं हुआ। गुरुजी ने शेर पर बंदूक से गोली चलाना अनुचित समझा। राजा भीमचंद और उसके सैनिक झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे और दूसरी तरफ गुरुजी तलवार लेकर उस झाड़ी की तरफ जाने लगे जहाँ वह शेर आराम कर रहा था। गुरुजी ने झाड़ी के पास पहुंचकर एक बड़ा सा पत्थर शेर की तरफ लुढ़का दिया। शेर पत्थर की आवाज सुनकर उठ गया और जोर से गरजने लगा, मगर वहां से हिला नहीं। उसकी गर्जन सुनकर राजा और सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर से झाड़ी को जोर से हिलाया। इस बार शेर अपनी जगह से क्रोधित होकर उठा और झाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और जोर से गरजने लगा। यह देखकर गुरुजी के साथी सिख भी डर गए, परंतु गुरुजी वहीं पर खड़े रहे और शेर की आंखों में एक टक देखते रहे। शेर ने अपनी पूंछ को जोर से हिलाया
गुरुजी ने उसे फिर से ललकारा। गुरुजी की ललकार सुनकर शेर उनकी तरफ झपट्टा मारने को तैयार हो गया और इधर गुरुजी भी तैयार हो गए। शेर उठा और भागते हुए गुरुजी पर झपट्टा मार दिया। राजा भीमचंद और उसके सैनिकों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ढाल से शेर के पंजों को रोक दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से उसके पेट में वार कर दिया। इससे पहले कि शेर दोबारा हमला करता, गुरुजी ने फिर से वार किया और इस बार शेर धरती पर गिर गया। वह जैसे ही धरती पर गिरा, उसके पंजे कुछ देर हिले और मुंह से गंभीर और भयानक आवाज निकली और फिर उसका शरीर अडोल हो गया। अब शेर मर चुका था। राजा भीमचंद ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतने बड़े और शक्तिशाली शेर को केवल ढाल और तलवार से कैसे मार सकता है। उसने सोचा कि वह तो गुरुजी को अपनी बहादुरी दिखाने आया था, मगर गुरुजी की शेर के साथ लड़ाई देखकर वह दंग रह गया। सेवकों ने मरे हुए शेर के शरीर को संभाला। गुरुजी ने सबको बताया, इस शेर का पिछला जन्म पांडवों के कुल में हुआ था। इसने कौरवों के साथ लड़ाई में बहुत से योद्धाओं को अपने बल से मारा था, इसलिए इसे बहुत से जन्म भोग कर इस जन्म में शेर की जूनी मिली थी और अब इसका जीवन मरण का चक्र खत्म हो गया है। यह कहकर गुरुजी और राजा भीमचंद अपने दरबार वापस चले गए। गुरुओं की हर बात निराली है। गुरु तो सभी के सांझे थे, चाहे वह कोई सिख हो या दुश्मन। जितनी उन्हें अपने सिख और आम आदमियों की फिक्र थी, उतनी ही उन्हें अपने दुश्मनों की। परंतु जब दुश्मन अति पर आ जाते थे तो उन्हें खत्म करने के सिवा कोई और चारा नहीं होता था। जब कोई दुश्मन गुरु साहिब के हाथों मुक्ति पाता था, यानी मर जाता था या घायल हो जाता था, तो उन्हें भी गुरु साहिब आर्थिक सहायता देते थे। जानते हैं कैसे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जितने भी तीर रहते थे, उनमें सोना लगा होता था। गुरु साहिब जी उन्हीं तीरों से लड़ते और दुश्मनों के कितने ही सैनिकों को समाप्त तथा घायल कर देते। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितने साहसी होंगे। उनके साहस के आगे भय भी नतमस्तक था। इतने बड़े योद्धा होते हुए भी वह बहुत ही करुणा भाव के थे और भक्ति में विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि दुश्मन से लड़ते वक्त भी उनके दिल में दुश्मन के लिए कोई घृणा भावना नहीं होती थी। उनकी कमान से दुश्मन के लिए निकला हर तीर अपने साथ सोना लिए ही निकलता था। जब सिखों ने उनसे पूछा कि इस तीर से मरते तो दुश्मन है, फिर इस तीर पर यह सोना क्यों? इस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का उत्तर था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी लड़ाई जालिम के जुल्म के खिलाफ है। यदि इन तीरों से कोई घायल होंगे तो वह इस सोने की मदद से अपना इलाज करवा सकते हैं, और यदि इस तीर से किसी की मौत हो गई तो उनका अंतिम संस्कार हो सके। गुरु साहिब के बारे में और वीडियोस बनाने में हमें सपोर्ट करें। थैंक्स बटन दबाएं, ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन देखें।